नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि पहल। मंत्र मंत्र जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। इन वाइब्रेशंस के थ्रू हम जो है हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, उनको काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। पर मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए और इनको सही तरीके से करना चाहिए। आज का जो मंत्र है, जो मैं आपके आगे से शेयर करने जा रही हूँ, वो मंत्र है अच्छी सेहत के लिए। सूर्य जो कि प्रत्यक्ष भगवान है, सूर्य को ज्योतिष में अच्छी सेहत का कारक माना गया है। तो यदि आप ये मंत्र सूर्य के आगे 11 बार करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, सूर्य नमस्कार करने का या सूर्य के आगे मंत्र करने का जो सही तरीका है वो ये है कि सूर्य उगने से पहले हम नहा लें और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ या जल चढ़ाएं और फिर मंत्र का उच्चारण करें। पर जिस तरह का आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, उसमें संभव नहीं हो पाता है कि हम जो है सुबह सूर्य उगने से पहले उठ के नहा सकें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोशिश करें कि सुबह 9 बजे से पहले नहा लें। और जब भी आप सूर्य को पहली बार देखें, जब भी आपका सूर्य से पहला एनकाउंटर हो, तो सूर्य की तरफ देख के यह मंत्र 11 बार जरूर करें। तो क्या है ये मंत्र? ओम गृहिणी सूर्याय आदित्य ओम। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ओम गृहिणी सूर्याय आदित्य ओम। ये ऐसा मंत्र है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और ख़ास करके उन लोगों को, जिन लोगों को विजन की प्रॉब्लम है या जिनकी आईसाइट वीक है या जिन लोगों को सर दर्द बहुत होता है या सर से रिलेटेड कोई तकलीफ है, और वो लोग भी जो कि हार्ट पेशेंट है, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में हार्ट का, दिल का भी कारक कहा गया है। तो यदि आपके हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मंत्र को ज़रूर करें। इसके अलावा ये मंत्र हर कोई, किसी भी एज ग्रुप का हो, वो कर सकता है। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि सुबह के समय इस मंत्र को ज़रूर करें और फिर देखिए, यू ऑल विल बी ब्लेस्ड विथ अ गुड हेल्थ।